दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है वाली कविता तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज आप जरा मछलियों के खौफनाक रूप के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों कहानी किस्सों में दिखाई जाने वाली मछलियां असल में नहीं होती, क्योंकि असल जिंदगी में आपको एक से बढ़कर एक खतरनाक मछलियां देखने को मिलेंगी जो आपको मारने में रत्ती भर समय नहीं लगाएंगी। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक मछलियों से रूबरू करवाने वाले हैं। बस वीडियो में मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। इलेक्ट्रिक ईल। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्राकृतिक ट्रांसफॉर्मर की। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल केवल नाम से इलेक्ट्रिक नहीं है, बल्कि जैसे इसे खतरा महसूस होता है ये बिजली के तेज झटके देना शुरू कर देती है, और इसके द्वारा जनरेट की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा तेज होती है कि आप भले ही मौत के घाट न उतरे, लेकिन इनके द्वारा दिए गए बिजली के झटके आपको काफी भारी पड़ सकते हैं। पर यहाँ मुश्किल तो यह है कि ये हमेशा झुंड में चलती है, यानी कि अगर 4-5 इलेक्ट्रिक ईल किसी को बिजली के झटके देंगी तो उसका तो काम ही तमाम हो जाएगा। पिराना। अब पिराना मछली के कहर के बारे में कुछ लोगों को पहले से पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। जिनके साइज को देखकर इन्हें कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नॉर्मल जानवरों की बाइट फोर्स इनके साइज पर डिपेंड करती है, लेकिन पिराना मछली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साइज में जितनी छोटी है उतनी ज्यादा खतरनाक। जहां ये झटके में बिल्कुल मक्खन की तरह इंसान की उंगली काट कर रख देगी, जिससे आप इनके खतरे का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। कैंडिरू। अगर आप अमेजोन के जंगलों में जा रहे हैं तो इस छोटे से जीव के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटा पैकेट ही बड़ा धमाका कर जाते हैं, और इनके साथ भी ठीक ऐसा ही है। जो दिखने में तो बहुत ही मासूम है, लेकिन ये जब शरीर के अंदर घुसते हैं तो तेज दर्द, उल्टी, शरीर में ऐंठन जैसी नॉर्मल समस्याएं तो होती ही है, पर ये अधिकतर इंसानों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तो ये है कि ये जीव डायरेक्ट इंसान के मूत्र मार्ग से उसके शरीर में घुसते हैं, और फिर क्या तबाही मचाते हैं वो हम और आप सोच भी नहीं सकते। स्टोनफिश। अब दोस्तों इस मछली से आप जितना दूर रहें उतनी ही आपकी जान के लिए बढ़िया है, क्योंकि पत्थर की तरह दिखने वाली ये मछलियां दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है, जिनमें पाया जाने वाला जहर बहुत ही खतरनाक होता है। ऊपर से पत्थर की तरह दिखने की वजह से ये मछली बड़ी ही आसानी से किसी को भी बेवकूफ बना सकती है, और जब कोई पत्थर समझकर इनके कॉन्टैक्ट में आता है तो इनका जहर डायरेक्ट उसके शरीर में पहुंच जाता है, और फिर अगर कुछ ही समय में एंटीडोट न दिया जाए तो उस इंसान की मौत होने में ज्यादा देर नहीं लगती। अब अगर इंसान इनके जहर से बच भी जाए तो इनके जहर की वजह से होने वाले दर्द से उसे कोई नहीं बचा सकता, जो कि सच में असहनीय होता है। स्टिंगरे। दूर से देखने में तो ये स्टिंगरेज बेशक प्यारी लगती हैं, लेकिन इनके नजदीक जाकर इनसे छेड़खानी करने की गलती भूलकर भी मत करना, क्योंकि अगर एक बार इनके स्टिंग किसी के शरीर में घुस गए तो उसमें मौजूद जहर इंसान की बॉडी में बहुत तेजी से फैलने लगता है। आपको बता दें इनके स्टिंग में पाया जाने वाला जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक है, जो अगर शरीर में फैल जाए तो बंदे को मरने में ज्यादा समय नहीं लगता। बॉक्स जेलीफिश। दोस्तों जेलीफिश को देखकर कोई दूर दूर तक ये नहीं सोच सकता कि ये दिखने में कितनी खूबसूरत है, ज्यादा तो खतरनाक है ये। और जब बात बॉक्स जेलीफिश की आ गई तो भाई साहब खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनके अंदर पाया जाने वाला जहर इंसान के शरीर में पहुंचते ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक, पैरालिसिस, यहाँ तक कि मौत तक का सामना करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इनके टेंटिकल्स आपकी बॉडी के संपर्क में आ गए तो मरने में 2 मिनट भी नहीं लगते। पफर फिश। गोल मटोल से दिखने वाली इन मछलियों को जब आप देखेंगे तो ये आपको काफी आकर्षक लगेंगी, लेकिन इनके आकर्षण के झांसे में मत आना, क्योंकि इनके शरीर के हर एक हिस्से में जहर पाया जाता है, फिर चाहे वो स्किन हो या फिर इंटेस्टाइन। इनमें पाया जाने वाला जहर कोई छोटा मोटा जहर नहीं होता, बल्कि न्यूरोटॉक्सिन होता है, और ये जहर जिस लेवल का खतरनाक है इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जहां ये जहर बॉडी में जाते ही सबसे पहले नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, इंसान के दिमाग और दिल तक खून नहीं पहुंच पाता, और ये पूरा काम इतनी जल्दी होता है कि सही टाइम पर एंटीडोट नहीं दिया गया तो इंसान का बच पाना नामुमकिन है। बॉक्स फिश।
दोस्तों, बॉक्स फिश कभी भी स्टिंग नहीं करती, लेकिन इनकी स्किन में पाया जाने वाला टॉक्सिन पूरे के पूरे साल्ट वाटर एक्वेरियम को जहरीला बना सकता है, वो भी मात्र कुछ सेकंड्स में। जब इन मछलियों को खतरा महसूस होता है तो अपनी स्किन से टॉक्सिक पॉइजन निकालना शुरू कर देती है, जो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। रेड लायन फिश, इस मछली का नाम ही खतरनाक है तो आप खुद सोचिए कितनी खतरनाक होगी। असल में इस मछली को स्पाइंस काफी ज्यादा जहरीले होते हैं, जो अगर किसी को लग जाए तो तेज दर्द, जी मचलाना, चक्कर आना, बुखार आना, ये सब कुछ नॉर्मल है। अब भले ही इसके जहर से आप मरेंगे नहीं, लेकिन हाँ, इसका जहर आपको इतना तंग कर देगा कि आपको ऐसा लगेगा काश मैं मरी गया होता तो अच्छा होता। मुरे ईल, अब मिलिए समुद्र में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक मछली से, जिसे अगर उकसा दिया जाए तो सामने वाले को मौत के घाट उतारने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करती। दोस्तों, इस मुरे ईल के दांत बहुत ही शार्प और मजबूत होते हैं, जो अगर हल्का सा भी लग जाए तो गहरा घाव छोड़ जाते हैं, और अगर इंटेंशनली इसने किसी पर हमला कर दिया तो समझ लीजिए उसका तो राम नाम सत्य हो गया। और इनकी सबसे खतरनाक चीज ये है कि बड़ी आसानी से पत्थरों के बीच छुप जाती है, जिस वजह से लोग इन्हें पहचान नहीं पाते और अक्सर इनका शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पानी की दुनिया में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक मछलियां। अब आपका इन पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।